फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। फ्रेंड्स, जो हमारा कस्टमर केयर का नंबर है वो है 9711844789। अभी जो हम आपके लिए फ्लैट लेके आए हैं, ये हमारा 2 BHK का फ्लैट है जो 50 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है, 50 गज में बना हुआ है। बहुत ही शानदार इंटीरियर। और इस फ्लैट की सबसे अच्छी बात है इस फ्लैट का लोकेशन। यहाँ से अगर मैं मेट्रो की बात करूँ तो अप्रॉक्स 300 मीटर है, 300 मीटर की दूरी पर मेट्रो स्टेशन आपको मिल जाती है। और मेट्रो लाइन की अगर मैं बात करूँ तो हार्डली 100 मीटर की दूरी पर है। हम अगर इस फ्लैट की बैल्कनी में खड़े होंगे तो सामने हमारा मेट्रो लाइन दिखेगा। एक्चुअली अभी हम जिस फ्लैट पर खड़े हैं ये हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें लिफ्ट और बाइक पार्किंग हम लोग दे रहे हैं। इसकी जो कीमत हमने रखी है 25,50,000 रुपया, 25.5 लाख रुपये हमने इसकी कीमत रखी है, 25,50,000। ये फ्लैट एक्चुअली हमारा सोल्ड आउट था, ये बिल्डिंग हमारी सोल्ड आउट थी, बट जिन्होंने ये फ्लैट लिया था उनका लोन नहीं हो पाया, इसलिए एक ही फ्लैट इस पूरे बिल्डिंग में है, बच गया है, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन, सामने की जो मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ वो लोकेशन। ये लोन वाले फ्लैट हैं, रजिस्ट्री है इस पर, पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये सारा चीज़ हम लोग करके दे रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं। ये हम अपनी बिल्डिंग के सामने जो रोड है 30 फीट की, उस रोड पे खड़े हैं। यहाँ से सामने ही हमारे मेट्रो लाइन है। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा मेट्रो जाती हुई। ये दिखाइए अपने बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन। और अगर मैं दूसरी तरफ की रोड दिखाऊँ आपको तो ये दूसरी तरफ की रोड है। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ एक एक गाड़ियाँ लगी हुई है, तब भी बीच में एक कार जाने का रास्ता है। जैसे ही हम बिल्डिंग में एंट्री लेंगे तो ये हमारा वेस्ट फेसिंग है। जो प्लॉट है इस बिल्डिंग का ये ईस्ट और वेस्ट फेसिंग है। ये हमारा पूरा पार्किंग का एरिया है। इसमें हम आपको जो फ्लैट हम दिखा रहे हैं उसके साथ बाइक पार्किंग दे रहे हैं। यहाँ सारे मीटर इंस्टॉल हैं। उसके बाद यहाँ आपको जो जल बोर्ड का पानी है उसके लिए यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है। यहाँ हमने लिफ्ट दिया है, मैं आपको लिफ्ट से लिए चलता हूँ। लिफ्ट से हम आ गए हैं अपने जो 2 BHK फ्लैट है उसके एंट्री की तरफ। एक्चुअली यहाँ पे दो फ्लैट हमने एक फ्लोर पे बनाए हैं, राइट हैंड साइड में 3 BHK है और इस तरफ हमारा 2 BHK है। जैसे ही हम फ्लैट के अंदर एंट्री ले रहे हैं तो ये हमारा जो ड्राइंग रूम है, जो एंट्री होगी, जो एंट्रेंस है वो हमारा नॉर्थ फेसिंग है, और इससे जब हम बाहर निकलेंगे घर से वो हमारा साउथ फेसिंग होगा। अभी हम खड़े हैं अपने लिविंग रूम में। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूं तो ये तकरीबन हमारा 10x12 का ड्राइंग रूम आपको मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर यहाँ पे, ये देखिए इस तरह के हमने वॉलपेपर लगाए हैं। और अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूं तो ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है फॉल सीलिंग को, जिसमें कॉब लाइट और LED लाइट्स लगाई गई हैं। एक ओवरऑल मैं लुक देता हूं आपको। अभी मैं जैसे लिविंग रूम में खड़ा हूं, इस तरफ हमारा एक किचन आ जाता है, फिर यहां हमारा एक मास्टर बेडरूम है और एक बेडरूम आपको इस तरफ मिल जाता है। तो अगर मैं ड्राइंग रूम की ही बात करूं, आप एक बार ड्राइंग रूम दिखाएं, तो ये ओवरऑल यहाँ जो प्लेसमेंट है सोफ़ा का वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बिकॉज़ आपको यहाँ पे जगह मिल जाती है। इसके चूँकि ये ड्राइंग रूम है तो यहाँ पे हमने ये TV पैनल दिया है, इंटरकॉम यहाँ लगा के दे रहे हैं। यहाँ पे जो बेसिकली इंटरकॉम का जो यूज़ है कि नीचे जहाँ से हम लोग पार्किंग में एंट्री लिए हैं, अगर कोई आते हैं तो वहाँ नीचे जाके आपको गेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बटन होता है, इसे प्रेस करेंगे गेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ में पार्टीशन करके, ये आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन दिया गया है पार्टीशन का भी, लिविंग रूम में पार्टीशन करके किचन आपका सेपरेट बनाया गया है। ये हमारा किचन का एरिया है। किचन में यहाँ आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है वो लगाई गई है, यहाँ पे रोशनी भी आ रही है ताकि अगर कुछ खाना बना रहे हैं तो डायरेक्ट आपके आँख पे जो रोशनी है वो ना आए। ऊपर भी इस तरह के डिज़ाइन किचन में। वुडन लुक में
किचन का जो टेरेस है, जो छत है, जो इसकी सीलिंग दी गई है, वो वुडन लुक का डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे आपको कंप्लीट मॉड्यूलर किचन मिल जाते हैं, सारे कैबिनेट्स यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो आपका कटलरी वेयर है, जिसमें आपके कप, स्पून और छोटे छोटे जो भी यूटेंसिल्स हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे। एक कैबिनेट आपको यहाँ मिल जाता है। उसके बाद उससे जो प्लेट्स होते हैं, उसके लिए यहाँ आपको स्पेस मिल जाती है। यहाँ भी आपको कैबिनेट्स दिए गए हैं। अगर बड़े कंटेनर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए यहाँ बड़ा सा स्पेस दिया गया है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, मैं बात करूँ स्पेस की, तो स्पेस की कमी आपको इस किचन में बिल्कुल नहीं खलने वाली है। इधर भी स्लॉट्स बना के दिए गए हैं, आप देखें, ये सारे स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। अगर मसाला रखना चाहते हैं तो यहाँ आपका वो आ जाएगा। इधर भी स्लॉट्स मिलता है आपको, और बहुत ही बढ़िया माइका का जो कम्बिनेशन है रेड और वाइट में। उसके बाद यहाँ भी फिर आपको स्पेस मिल जाता है। आरओ और गीज़र के लिए यहाँ प्रोविज़न दिया गया है। टैप्स लगाए गए हैं, जिसमें आपका एक जल बोर्ड का पानी है वो आता है, दूसरा जो समरसेबल का पानी है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। टैप्स मिल जाते हैं, गीज़र लगाएंगे तो एक से ठंडा पानी, एक से गर्म पानी आएगा। उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ अपने मास्टर बेडरूम में। जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वार्डरोब, फुल वार्डरोब दिया गया है। और जो आप देखें इसमें, मैं दिखाता हूँ, ये भी स्पेस आप देखिए, इसमें सेल्फ भी बनाए गए हैं, ऊपर भी सारे कैबिनेट्स दिए गए हैं, और यहाँ भी आपको जो स्टोरेज है वो मिल जाता है। ये जो बीच का स्पेस देख रहे हैं, ये 6x6 बेड के लिए स्पेस दिया गया है। उसके बाद चूंकि मास्टर बेडरूम है तो यहाँ पे जो LCD पैनल है वो दिए गए हैं, और जगह आपको जैसे आप केबल लगा रखे हैं उसके जो बॉक्स होते हैं, यहाँ स्टोरेज टाइप दिया गया है, यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, या इसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। इस जो डेकोरेटेड आइटम है उसको आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और चूंकि LCD पैनल है, लाइट्स भी यहाँ दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे 2 लाइट्स, जो इस LCD पैनल की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाता है। साथ में यहाँ वॉशरूम दिया गया है, वॉशरूम में यहाँ वॉश बेसिन लगाए गए हैं। इधर काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ अगर देख पा रहे होंगे आप तो गीज़र के पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ कमोड लगाए गए हैं, ठंडा पानी गर्म पानी के लिए दिया गया है। ये वॉल शावर हैं, और इसके वेंटिलेशन के लिए भी इस तरफ स्पेस दिया गया है। और इसी के साथ हमारी ये बैल्कनी की जो एंट्री है वो मिल जाती है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ भी आपको विंडो मिलते हैं, और ऊपर विंडो AC का प्रोविज़न दिया गया है। जैसे हम बैल्कनी में आते हैं, अगर मैं यहाँ पे खड़े हूँ तो ये जो हमारा है सामने ईस्ट है। अगर बैल्कनी में इधर सन राइज होता है सामने ही, और रोड अगर मैंने दिखाया ही है, एक बार मैं बैल्कनी से भी आपको रोड दिखाता हूँ। यहाँ आपको वॉशिंग मशीन रखने के लिए स्पेस दिया गया है, ये आपको स्विच मिल जा रहे हैं। आपको लिए चलता हूँ अपने सेकेंड बेडरूम में। उसके आगे बढ़ने से पहले मैं फॉल सीलिंग की डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पीछे से दिखाएं। ये देखिए आप, इस तरह के आपको डिज़ाइन ऊपर मिल जाते हैं फॉल सीलिंग के। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ सेकेंड बेडरूम में। अब फ्लैट का आप ओवरव्यू भी देख पा रहे होंगे हम चल के आ रहे हैं तो, और इस तरह का जो डिज़ाइन है ये वाली, वो यहाँ से यहाँ तक दी गई है वुडन लुक में। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। सेकेंड बेडरूम में आपको जो डिजिटल टाइल्स है वो आप देख पा रहे होंगे, ये डिजिटल टाइल्स लगाई गई है। इस तरह का आपको यहाँ टेक्सचर मिल जाता है, और ऊपर इस तरह के डिज़ाइन दिए गए हैं फॉल सीलिंग के। स्प्लिट AC का ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाता है, और इसके साथ अगेन एक वॉशरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल मैं इस फ्लैट की बात करूँ
तो 2 BHK का बहुत ही बढ़िया फ्लैट 25.5 लाख 25,50,000 में ये फ्लैट आपको मिल जाता है। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट बनाए हैं टोटल, इस बिल्डिंग में 8 फ्लैट है, लिफ्ट दी गई है और इस फ्लैट के साथ हम बाइक पार्किंग दे रहे हैं। फ्रेंड्स, एक दो कुछ लोग का कमेंट्स आया था कि सर आप स्क्वायर फीट में बताएं। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आज आपको बता दूं कि जो एक स्क्वायर यार्ड मतलब होता है 9 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर यार्ड का मतलब हो गया आपका 900 स्क्वायर फीट। अगर इसको मैं हिंदी में बात करूँ, 1 गज का मतलब होता है 9 स्क्वायर फीट और 100 गज की अगर मैं बात करूँगा इसका मतलब हो गया 900 स्क्वायर फीट। तो फ्रेंड्स, इन फ्यूचर भी मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे जो टिप्स हैं, ये छोटे छोटे जो जैसे अगर मैं टेक्निकल वर्ड की बात करूँ लाइक कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर एरिया, तो थोड़ा थोड़ा मैं हर वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। थैंक यू सो मच।